तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। लेग की शेडिंग करनी है, 2B से करते हैं अपन। ओके, लेग की शेडिंग स्टार्ट करनी है तो 2B से करते हैं। तो पहले एक बार देख लो कहाँ कहाँ करनी है, पहले मुझे देख लो, अभी साथ साथ नहीं करना। पहले तो जरा मैं चेहरे के पास करूंगा, चेहरे की जो ये आउटलाइन दिखनी ना, हाथ के नीचे कुछ रख लेना, अगर हाथ यहाँ लग रहा है चेहरे पे तो होनी चाहिए अपन को। और ये इरेज जरूर कर लेना, चेहरे के बाहर एक्स्ट्रा ग्रेफाइट फैलना था, ठीक है। जस्ट स्मूथली शेड करते करते नीचे की तरफ ले जाना, इवनली शेड करना है, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा ऊपर डार्क है नीचे लाइट है। यूवी से कर रहे हैं, आराम से करेंगे। ये जो शेप दिख रहा है ना, ये शेप हल्का सा अपन 2B से ड्रॉ कर लेते हैं, धीरे धीरे जॉ लाइन के साथ आ रहा है यहाँ ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये गया ना ऐसे, ये नीचे ये निकल गया आगे, ये यहां से आगे निकल गया, फिर एक यहां से आ रहा है। ये ड्रॉ नहीं कर रहा, ये मैं हल्का शेड कर रहा है, जैसे शेडिंग चल रही है, ठीक है। ड्रॉ नहीं करना कहलाएगा, ड्रॉ करना यहाँ पकड़ के ऐसे एक डार्क लाइन के पास होता है। ये अपन धीरे धीरे यहाँ, तो अपन को पता चल गया यहाँ पे उतनी शेडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ तक है शेडिंग, ये देख सकते हो लाइन नंबर 12 के नीचे से ऐसे जाते हुए, और लगभग लगभग यहाँ मिक्स हो रही है। ये अपन ने एरिया जो है वो पहले ही डिवाइड कर लिया, अब अपन को कोई टेंशन नहीं है। पहले ये चेहरे के पास वाला जो है स्मूथली फिल कर लो, एक चीज और, इसकी जो आउटलाइन है हल्की हल्की मैकेनिकल पेंसिल से हल्की हल्की आउटलाइन ड्रॉ कर लो। अब बाकी का शेडिंग दोबारा करना स्टार्ट करते हैं अपन। देखो एक सिंगल डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ लाए, बाकी ये राइट टू लेफ्ट किया। बाकी ये जो है इसे थोड़ा बहुत अलग करने के लिए ऐसे वर्टिकली शेड कर सकते हैं इतना पार्ट। इसके नीचे नहीं ले जाना है, ठीक है, इतना ही करो। इसके नीचे नहीं ले जाना, इस वाले पार्ट में यहां जरूर करना है शेड लेके। ठीक है, जहां जहां थोड़ा रफ सा लग रहा है वहां दोबारा कर लो। ओके, तो इधर पे अपन ने शेड कर लिया, अब ब्लेंडिंग करनी है तो वो ब्रश से करेंगे। तो ब्रश से कितना करेंगे, जो चेहरे के पास पास वाला है, ठीक है, जिस तरीके से चेहरे का शेप बाहर ही रखना ब्रश को चेहरे से, ठीक है, चेहरे को से बाहर ही रखना ब्रश को। तो ये नीचे नीचे जो पार्ट है चेहरे के पास वाला, ब्रश से कर लो आराम आराम से, ठीक है। इस तरीके से जो फ्लैट ब्रश रहता उससे कर लो, ताकि बॉर्डर जो है वो अंदर की तरफ ना फैले, क्योंकि देख सकते हो एक अंदर से यहाँ पर बॉर्डर भी है। वो अपन जब हेयर्स बना लेंगे तब अपन मोनो जीरो इरेजर से इरेज करेंगे हाईलाइट बनाने के लिए, ठीक है। चेहरे के पास वाला हिस्सा मैंने आराम से कर लिया, अब जो बाहर वाला हिस्सा है वो मैं नॉर्मली कॉटन से कर लूंगा। तो अपनी कॉटन ली मैंने और ऐसे सर्कुलर चलाना स्टार्ट कर दी। ध्यान रखना चेहरे के अंदर नहीं जानी चाहिए कॉटन या कोई भी तरीके का शेड, अभी अपन को जहां जरूरत होगी वो बाद में कर लेंगे, लेकिन अभी है प्रिवेंट करना उसे। आराम आराम से सर्कुलर शेड कर लो। ठीक है, थोड़ी आउटलाइन
बना लो। ये करते हैं, इसके बाद ईयर्स देखते हैं और फिर अपन हेयर्स देखते हैं। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट लेयर हो जाती, सेकेंड लेयर हो जाती है 2B पेंसिल से। ठीक है, ये करने के बाद अब आते 4B। तो 4B देखो एकदम कान से नहीं आ रही है, ये यहां से है लाइन नंबर 11, यहां से करो। बी जो है इस तरीके से आ रही है एकदम पतले पतले, आराम आराम से। ठीक है, इस पार्ट में 4B, तो इसे आराम आराम से फिल करना स्टार्ट करो 4B पेंसिल से। देखो 4B पेंसिल को बहुत ज्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल से भी अपना काम हो जाएगा। इस तरीके से शार्प करके पीछे पकड़ के आराम से शेड करो। ठीक है, और अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड करते समय ब्रश जो है थोड़ा यहां पे भी लाना, देख सकते हो ये वाला पार्ट डार्क है, तो ये अपन नीचे नीचे भी लाएंगे। तो ये जो पार्ट है वो अपन को अच्छे से दिखे। इस पे हल्का हल्का जो है थोड़ा कॉटन से भी कर लेना। ठीक है, इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर थर्ड लेयर हो जाती है, लेकिन अभी भी अपन को डार्क चाहिए, देख सकते हो और डार्क नहीं। और डार्क के लिए अपन क्या करेंगे, और डार्क के लिए अपन 6B पेंसिल का यूज करेंगे। 6B पेंसिल ले लो, डायरेक्ट 6B क्यों नहीं ली, क्योंकि अपन लेयर बाय लेयर देखते हैं। ठीक है, लेकिन 6B को भी ऐसा नहीं किसके एकदम 6B की तरह यूज कर रहे हो, लाइटली यूज करो। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे रब करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ शेडिंग करो बस। ठीक है, इसे भी सेम तरीके से अपन ब्लेंड करेंगे आराम आराम से ब्रश से। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा ऐसे कॉटन से कर लो, ताकि थोड़ी और स्मूथ आ जाए, चेहरे पे नहीं जाना, चेहरे वाले पार्ट से दूर रखना। तो ईयर बनाना है अब अपन को, तो अपन अब क्या करते हैं, हाथ के नीचे पहले एक पेपर रख लो। ठीक है, ताकि स्केच गंदा ना हो जाए, मैकेनिकल पेंसिल से बन जाएगा पूरा। देखो कैसे ईयर की जो आउटलाइन है वो दी, ये देख सकते हो हल्के हल्के बाल और ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं लाइट लाइट, तो ये बना लिए। अब देखो ये जो कर्व आ रहा है, जितने कर्व आ रहे हैं यहाँ से लेके, तो मेरे में तो ये गायब है ये वाली लाइन, मेरे में जो है जैसे मैंने बॉर्डर लगा रखा है, तो मेरा जो आएगा वो इसके राइट में साइड जितना है इतना ही आएगा, तो मैं इतनी बनाऊंगा। आपने भी बॉर्डर लगा रखी है तो तुम्हारा भी इतना ही आएगा। आराम आराम से पहले तो ये जो दिख रहा है कर्व आया है, ये हल्का हल्का नीचे, ये जो जितना शेडेड पार्ट दिख रहा है ना, ऐसे ये वाला पार्ट, ये वाला अपन ऐसे आराम से ड्रॉ करो। ओके, आराम से ड्रॉ किया और इसको पेंसिल से ही भर दिया अपनी मैकेनिकल पेंसिल से ही। ठीक है, जहां थोड़ा डार्क डार्क है वहां थोड़ा प्रेशर के साथ, और जहां लाइट है वहां नॉर्मली, जहां हल्का हल्का शेड है वहां पे हल्के हल्के प्रेशर के साथ। जो हाई लाइन्स है वो अभी अपन बनाएंगे, लेकिन पहले ये हुआ। फिर एक देख सकते हो नीचे भी एक लेयर आ रही है, तो इसे वर्टिकली शेडिंग करते करते
ये नीचे की एक लेयर बना लो। फिर ये ऊपर वाले पोर्शन में है, तो यहाँ हल्की हल्की शेडिंग है। जो डार्क शेडिंग थी वो दिखा चुका हूँ, अब हल्की हल्की जो शेडिंग है वो चल रही है। थोड़ा ये जो कर्व बनाया था इसके अंदर भी हल्की हल्की है, आराम आराम से कर लो इसे। ठीक है, ये करने के बाद अब जाइए अपन को ब्लेंडिंग स्टम्प। तो जो डार्क पार्ट है पहले तो उसे आराम आराम से कर लो। ये ऊपर लाइट पार्ट है और जो नीचे लाइट पार्ट है इसके लिए अपन को ब्रश की ज़रूरत है। ठीक है, तो आराम आराम से ब्रश कर लो इतना। नीचे वाला पोर्शन कॉटन से कर लो। ठीक है, कॉटन का जो छोटा पीस करके जैसे नोज करके बताई थी ना मैंने, उस तरीके से इतनी कॉटन ली अपन ने। और नीचे वाला जो पार्ट अपन ने किया था शेड, उसे ऐसे सर्कुलर शेडिंग जैसे करते हैं ना, तो वैसे ही ब्लेंड कर लो। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद बस अपनी नीड इरेजर लो और ये वाला जो पोर्शन है इसे हल्का हल्का इरेज करो, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करो इतना, और फिर यहाँ पे एक कर्व आ रहा ये इरेज करो। ये रेफरेंस में जो दिख रहा है ना उतना ही करना है, एक्स्ट्रा अपने मन से नहीं कर रहा। और फिर एक ईयर्स के नीचे देख सकते हो एक और लाइन सी बनी आ रही है, तो वो भी अपन बना लेंगे। उससे पहले ज़रा ईयर की जो आउटलाइन है वो ड्रॉ करो, और उसके ऊपर जैसे अपन ने नोज़ के नीचे एक लेयर इरेज करी थी वैसे ही लिप्स वो ईयर्स के नीचे एक लेयर इरेज कर दो। ठीक है, तो ये अपना ईयर भी ड्रॉ हो जाता है। इतना कर लो, फिर अपन हेयर्स पे चलते हैं। तो अब हेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो जो चीज़ अपन करेंगे हेयर्स में भी करते हैं, मैकेनिकल पेंसिल से डायरेक्शन दे दो। अब डायरेक्शन की अपन को ज़रूरत बहुत कम ही है, ठीक है, लेकिन तब भी अपन ने ये तो पूरा भरा हुआ है, जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना वो बाद में मोनो जीरो इरेजर से इरेज कर सकते हैं। इसमें जो दिख रहे हैं वो भी, यहाँ पे अपन को हाईलाइट छोड़ने की ज़रूरत है और यहाँ पे दिख रहे हैं हल्के हल्के, ठीक है, जो बीच में हल्के हल्के दिख रहे हैं वो मोनो जीरो इरेजर से आराम से बन जाएंगे। मेन है यहाँ वाले जो अपन ने हल्के हल्के ड्रॉ करे थे ना, तो वो हल्के हल्के अभी भी हैं अपने पास यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, जो नहीं है अगर तो मैकेनिकल पेंसिल से ऐसे दोबारा ड्रॉ कर लो हल्के हल्के, क्योंकि बाद में काम आएंगे, होगा तो दोबारा बना लेंगे, लेकिन अब कर्व में करना है इसे धीरे धीरे, साथ साथ करते जाओ। डायरेक्शन देख लो पहले, डायरेक्शन ये है। ये दिख रही लाइंस अपनी, डायरेक्शन ये है। तो इसके लिए एक काम करो, अपन सब राइट हैंडी हैं, लेफ्ट वाले उनको तो आराम से प्रॉब्लम कोई नहीं होती, तो राइट हैंडी जैसे तुम्हें हो रही है तो इस तरीके से कर लो, उल्टा घुमाओ। ओके, उल्टा घुमा लो इसे और इस तरीके से कर्व करना स्टार्ट कर दो, पास पास करो। बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी इसमें अपन को 2 से 3 लेयर देनी है, इसके बाद 6B की लेयर देंगे, उसके बाद और डार्क करने के लिए 10B की लेयर। ठीक है, चारकोल में नहीं होता, चारकोल में 2 ही लेयर रहती हैं। चारकोल में करना हो तो पहले न्यूट्रल चारकोल करो और फिर सॉफ्ट चारकोल कर दो। ठीक है, चारकोल ब्लेंड करने में भी आसान रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है चारकोल के साथ, चारकोल फैलता बहुत जल्दी है, तो इसमें अपन फैलना जो है, क्योंकि अपने पास ये छोटे छोटे जो हाइलाइट्स हैं चेहरे के चारों तरफ बाल हैं, 1 2 3 4 इधर नीचे नीचे नहीं, तीनों तरफ बाल हैं इधर इधर, तो इस तरीके से ज़रा कर्व कर लो। अगर यही इसके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, मतलब जैसे वो स्ट्रॉबेरी वाइट या फिर गोल्डन बाल रहते ना वो होते, तो इतने में ही छोड़ देते अपन, ये लो बाल बन गए इसके। राइट साइड आ जाओ, तो राइट साइड देखो, पहली चीज जो अपन को करनी होगी वो होगी फेस की आउटलाइन, फेस के बाहर अच्छे से करना, फेस के अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए, पॉइंट
बहुत आराम आराम से करो। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, डायरेक्शन इनकी क्या है, वर्टिकल। ठीक है, कर्व भी नहीं है, स्ट्रेट ही आ रहे हैं, फ्री हैंड से जो स्ट्रेट बनाते हैं ना लाइन, क्योंकि तुम देख सकते हो रेफरेंस में पूरे भरे हुए हैं, जैसे अभी एक्सप्लेन किया था ना मैंने, तो अब स्ट्रेट लाइन बनाना स्टार्ट कर दो। बस एक चीज है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए कुछ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए यहाँ पे थोड़ा एक पेपर टाइप रख लो। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आती रहेंगी उससे। ठीक है, तो जो चेहरे से पहले जो चेहरे से निकलती हुई है वो ड्रॉ कर लो। देख सकते हो कर्व है, तो यहाँ चेहरे से जो निकलती हुई है उन्हें ड्रॉ कर लो। आराम से करना है, पेपर के अंदर ना चली जाए, पता चला तुमने चेहरे पे लाइंस बना दी, तो वो नहीं चाहिए अपन को। ठीक है, तो इस तरीके से करा, बाकी की तो लाइंस ऐसे वर्टिकल हैं। ठीक है, तो इतना हो गया अपना, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऊपर की तरफ यहाँ देखना, यहाँ पे हाइलाइट्स हैं। ठीक है, तो उस जगह का ध्यान रखना ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ से तो जो नॉर्मली बाल आ रहे हैं, ठीक है, ये बाल कनेक्ट होते हुए यहाँ पे वो ड्रॉ कर लो। अपन डायरेक्ट 10B से इसलिए नहीं करते, मैकेनिकल पेंसिल से पहले अपन इसलिए करते ताकि अपन को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए कि कहाँ क्या करना है। क्योंकि क्योंकि सर एक बार में पूरा कर्व लाओ ताकि पेंसिल थोड़ी पीछे पकड़ो। अपन को एक ध्यान रखना, ये वाला जो रीजन है इसे जरा इधर के ग्राफ एरेज कर लो, वरना बाद में देखेंगे। ठीक है, इस वाले रीजन में है ये, एक समझो, इस तरीके से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है इसमें बनाना है अपन को। तो इस पीछे पकड़ो और इधर से स्ट्रोक्स लाना स्टार्ट करो पेंसिल के, और इसके पास लाते लाते खत्म कर दो। ठीक है, एक आध दो आगे निकल जाए ऐसे। ठीक है, ये आया, एक आध आगे निकल गया, इसे लिप्स में करते ना या आयरिस में करते, एक आध आगे निकल गया। डायरेक्शन का ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ी कर्व सी है। ठीक है, तो कुछ नीचे भी है कुछ ऊपर भी है, तो रेफरेंस को जरा ध्यान से देखो, उसमें कौन सा ऊपर स्ट्रोक है कौन सा नीचे है, कहाँ पे नीचे की तरफ ज्यादा है कहाँ पे ऊपर की तरफ ज्यादा है। ठीक है, यूजुअली एक कर्व है ये। ठीक है, यहां से ऐसे कर्व होता हुआ, यहां से ऐसे कर्व होता हुआ। यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ होगा। अब जरा ध्यान दो, ये वाला जो कर्व है यहाँ पे भी है हल्के हल्के, तो यहाँ पे पहले थोड़े बाहर की तरफ बना लो, ऐसे थोड़े से कर्व थोड़े बाहर की तरफ बना लो, ताकि जो मांग वाला एरिया रहता है यहाँ पे हल्के हल्के बाल दिख जाए अपन को। क्योंकि अपनी जो डार्क पेंसिल्स हैं वो इतने आगे तक नहीं आएंगी, क्योंकि रेफरेंस में इतने आगे तक नहीं है। अब देखो ये अपन ने कर लिया है, तो हल्के हल्के जो कर्व देने ना अपन को बीच में, पीछे पकड़ो पेंसिल और बहुत लाइटली शार्प रखना है, कि कैसे बीच में थोड़ा गैप देते हुए ऐसे कर्व स्ट्रोक्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी अपन को बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन जब अपन पूरा पोर्शन इनके अलावा डार्क कर देंगे ना 10B से, तो फिर वो अच्छा खासा दिखेगा।
अब सेम चीज अपन को यहाँ करनी है राइट साइड वाले पोर्शन में, तो आगे की तरफ स्ट्रोक्स ले आओ पहले, ठीक है? ये थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स आगे की तरफ आ रहे हैं, वो हल्के हल्के स्ट्रोक्स थोड़े आगे की तरफ ले आओ। जैसे वर्टिकल, मतलब वर्टिकल क्या, हॉरिजॉन्टल मत लाना, थोड़ी नीचे की तरफ कर्व करते हुए लेके आना इस तरीके से, जैसे बालों की जो डायरेक्शन हो। ठीक है, अब नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा एक काम करो, इसे तो स्लांट में रख लो और ऐसे कर्व करना स्टार्ट कर दो। ऊपर से पूरा नीचे ले जा सकते हो आराम से कर्व, ठीक है? क्योंकि बीच में जो हाइलाइट्स हैं वो अपन मैकेनिकल इरेजर या मोनोजीरो इरेजर से दे देंगे। ठीक है, तो ये अपना हो गया है, तो ये शेड तो हो गए अपने बाल। ठीक है, अब बस अपन को क्या करना है, ब्लेंड कर लेते हैं अपन। ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज करो, ठीक है? बहुत ज्यादा घिसना नहीं है, हल्का हल्का चला लो आराम से, इतना मत घिस देना कि बाद में डायरेक्शन का अंदाजा नहीं रहे। ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ जो अपन ने हाईलाइट छोड़े हैं ये वाले, उन पे नहीं करना, यहाँ बाहर बाहर तक कर लो ऐसे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे कर लो, ये बीच वाला छोड़ देना, और फिर ये जो यहां से लेके पूरा नीचे तक। आराम आराम से पूरा ब्लेंड कर लो, ठीक है? बहुत ज्यादा ऐसे ब्रश घिसने की जरूरत नहीं है, आराम से ही कर लो, और ये अपना हेयर्स की बेसिक लेयर हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है?